बचे हुए हैं स्थानीय बात। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो का सीन कुछ ऐसा है, मैं जाने वाला हूँ चितवन अपनी बहन के यहाँ, थोड़ा घूमेंगे भी वहाँ पे। मैं चितवन सही से घूमा नहीं हूँ, पिछली बार गया था चितवन पिकनिक में गया था लोगों के साथ तो सही से घूम नहीं पाए थे, तो इस बार हम जीजा जी के साथ फुल घूमेंगे चितवन, फुल चितवन देखेंगे कैसा क्या चितवन में। तो बस निकलने वाला हूँ मैं, सामान वान पैक कर लिया फुल, मेरी बस 11 बजे की है, तो चलते हैं नीचे। मामा मेरा वेट कर रहे हैं नीचे, मेरे को मामा बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, फुल पैकिंग शैकिंग हो गई है, निकलते हैं। तो ये मामा वेट कर रहे हैं भाई और गार्डन देखो हमारा फुल बवाल हो गया है मस्त। तो पहुंच गए हम बस स्टैंड, तो अभी हम कर रहे हैं अपनी बस का वेट, थोड़ी देर में आने वाली है हमारी बस और 4-5 घंटे हमें बस में बैठे रहना है, मतलब आज का दिन काफी बोर होने वाला है। सो गाइस, हमारी बस आधा घंटा लेट आएगी तो हम यहाँ पर बैठ के अपनी बस का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में बस आने ही वाली है बस, और ये 4 नंबर है जहाँ हम बैठे हैं। A few minutes later. So guys, बैठ गया अपने सीट पे और निकल चुके हैं बस यहाँ से, अब 3-4 घंटे बस में बैठे रहना अपने को। A few inches later. और भाई व्यू चेक करो यहाँ से, एकदम बवाल व्यू आ रहा है बाहर का, मजेदार एकदम व्यू देखो। जाम हो गया भयंकर वाला यहाँ पे। तो भाई पहुंच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, नारायणघाट पुल चौक। 7 बज गए आते आते और दिमाग की दही हो गई है पूरी, 5 घंटे का रास्ता 7 घंटे में क्लियर हो गया पूरा, और जो प्लान सोचा था वो तब होने का नहीं है क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है, और जो प्लान था वो ख़राब हो गया हमारा पूरा, है ना। तो अब होटल देखते हैं कोई और वहाँ रुकते हैं, भूख लग रही है भयंकर वाली, पहले कुछ खा लेते हैं। भाई 7 घंटे लगे पूरे बस में, मुझे पता है मैं कैसे आया हूँ, सोते जागते गाने सुनते टाइम पास करते हुए आया हूँ बिल्कुल। अच्छा, जो मैंने सोचा था प्लान घूमने फिरने का वो होने का नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, और नेपाल का तो भाई ये सीन है कि यहाँ 7-8 बजे खा पी के सो जाते हैं बंदे, 7-8 बजे कुछ नहीं है फिर, और अभी 7 बज चुके हैं तो मतलब अब कुछ नहीं होने का। तो होटल में आया हूँ, भूख लग रही है बहुत भयंकर, कुछ खाता हूँ, 7 घंटे से कुछ खाया नहीं है यार, और फ़ोन करता हूँ बिनाजू को, लेने आ जाएंगे वो मेरे को, बिनाजू मतलब जीजा जी भाई, तो फ़ोन करता हूँ उनको, वो लेने आ जाएंगे मेरे को यहाँ पे। तो 3 फ़ोन हो चुके हैं भाई अब मेरे पे, और ये देखो एक फ़ोन हुआ मेरा 14 प्रो मैक्स अल्ट्रा, ये अल्ट्रा न्यू आया आपने देखा नहीं होगा, अभी लॉन्च हुआ है। तो ये आ गए अपने मोमो, चिकन मोमो, तो उनको खाते हैं और इतनी देर में बिनाजू भी आ जाएंगे लेने। सो फाइनली बिनाजू आ गए मेरे को लेने, और अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि कहीं और तो अब जा नहीं सकते, रात ज़्यादा हो गई है, 8 बज गए भाई 8। सो फाइनली गाइस पहुंच गया हूँ बहन के घर,
तो भाई फ्रेश होकर बैठ गया हूँ खाने के लिए यहाँ पे, और आज का प्रोग्राम सारा कैंसिल हो गया हमारा, थोड़ा लेट हो गया आने में, इस चलते आना अब कहीं जाना मुश्किल है, तो कल जाएंगे कहीं घूमने मस्त जगह पे। तो आज तो बस खाना और सोना यही होने वाला है और कुछ नहीं। तो अपना खाना आ चुका है यहाँ पे, कल घूमेंगे कहीं मस्त जगह, जब तक बाय। तो भाई अब सोने का टाइम हो गया हमारा, तो मिलते हैं आप कल, गुड नाइट। द नेक्स्ट डे। सो हे गाइस, आज है मेरा दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं घूमने नारायणी नदी, जिसे नारायणी बीच भी कहते हैं। नारायणी नदी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, और वीडियो की स्टार्टिंग मैं आज यहीं से कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो घर पे नहीं बना पाया। तो आज हम जा रहे हैं नारायणी बीच, जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ प्यारा सा बीच। सो गाइस पहुंच गए नारायणी, तो यही है नारायणी बीच, और सच में यार ये काफ़ी बड़ा और सुंदर बीच है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गोवा में आ गए, गोवा की फीलिंग आ रही है यहाँ पे बिल्कुल। तो इस साइड बोटिंग और राफ्टिंग हो रही है, और हम जा रहे हैं आगे की साइड, और इस साइड ये होटल है, और नीचे की साइड स्टॉल लगा रखी हैं काफ़ी सारी, और ये देखो नीचे काफ़ी ज़्यादा रेत है यार, हमारी बाइक चल भी नहीं पा रही इसमें फंस गई यार। तो अब हम जा रहे हैं आगे की साइड, आगे की लोकेशन काफ़ी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं पार्किंग के लिए, अपनी बाइक को पार्क करेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ पूरा बीच कैसा है यहाँ का बीच, चलते हैं। सो गाइस पहुँच गए हैं नारायणी नदी, और नारायणी बीच भी कहते हैं इसको, और काफ़ी बड़ा है यार ये देख रहे हो, काफ़ी बड़ा है, गोवा वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल गोवा वाला बीच जैसा सीन है यहाँ का। और साइड देखो बोटिंग शोटिंग हो रही है, काइकिंग वाइकिंग, तो काफ़ी बड़ा है यार ये, घूमने में काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। पास में उस साइड चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो बिल्कुल किनारे में पहुंच गए अब हम, और वो ब्रिज पुल चौक, पानी की लहर देखो कैसे भयंकर आ रही है, खतरनाक हिंदी बोल रहे हैं भाई, सब उड़ रहा है, उड़ाएगा 2 दिन। तो दूसरी साइड चलते हैं अब, वो वहाँ पे टॉप पे, तो मुझे भी ऐसे रास्ते पे चढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे रास्ते में चलते हैं। काफी मजा आ रहा भाई, गाइज अब हम जा रहे हैं कैलिस्थेनिक पार्क थोड़ा वर्कआउट करने, तो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है कैलिस्थेनिक पार्क, तो चलते हैं फटाफट। टेंट की साइड आ गई कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी यार, तो कुछ खाते पीते फिर चलते हैं। A few minutes later. तो यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे होटलों में दारू होना, दारू भी है नॉर्मल है ये चीज़ें। तो चलते हैं गाइस, पहुंच गए कैलिस्थेनिक पार्क, चलो करते हैं वर्कआउट स्टार्ट।
कैसे हुआ ये? कैलिस्थेनिक पार्क, कैलिस्थेनिक पार्क से ये छिल गया वहाँ जंग लगा रखा था, फट गया यार। तो भाई अब जा रहे हैं इसका ट्रीटमेंट करवाने, इसका लगी काफ़ी ज़्यादा लग गया यार मेरे हाथ में, तो मेडिकल में जाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं इसका। तो याद है करवाते हैं ट्रीटमेंट। फिलहाल दर्द तो नहीं रहा इसमें, क्योंकि मेरे को आदत हो चुकी है इन चीज़ की, डेड लिफ्ट भी करता रहता हूँ तो ये चीज़ होती रहती है, नॉर्मल है मेरे लिए। उसकी पट्टी वट्टी करवा दे थोड़ा, और रैबिस का इंजेक्शन लगवा देते क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होती है ना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये काट देंगे। ये मैं काटने जा रहे तो ये करवा ली भाई पट्टी वट्टी, नॉर्मली ऐसी टेम्परेरी करवाई है, फाड़ देंगे थोड़ी देर में इसे। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।